उसके बाद आप लोग काटते रहना। अरे सदान शांत रहो, पहले बहुत आप लोग हल्ला करते। ये हो गया कनकर मिरर बाबू, है ना? ठीक है, अभी ये स्फेरिकल है, स्फेरिकल है, ठीक है। अब बाबू इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर से कट कर रहे हैं, इधर से इतना कट करके निकाल दिया। अरे शैतान कल नहीं है ना बता रहे थे बाबू, ये मान लो क्या स्फेयर है, ये स्फेयर है ना बाबू, स्फेयर है सर। तो इतना पार्ट हमने कट करके क्या किया बाबू, इतना पार्ट कट करके निकाल दिया, इतना निकाल दो, है ना। तो इसको ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो क्या फर्क पड़ता है। तो ये कर्व सरफेस है बाबू, मान लो ये इतना, इसको क्या कर दो, पॉलिश कर दो, समझो पियूष, पॉलिश कर दिया, ठीक है सर। तो ये कर्व सरफेस है बाबू, तो ये कर्व सरफेस जिधर इसका पूरा सर्किल बनेगा, तो इस कर्व सरफेस का सर्किल तो इधर ही बनेगा बाबू, इस कर्व सरफेस का बाबू सर्किल तो इधर ही बनेगा, ना कि इधर बनेगा। ये कर्व पार्ट आपको किधर सर्किल कंप्लीट करेगा, इसी साइड में कंप्लीट करेगा ना वो, तो जिस साइड में कंप्लीट करेगा उसी साइड में उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। आप क्या किया पीयूष, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कर दिया, पीछे में पॉलिश के पीछे, इस सर्किल इधर जाके कंप्लीट कर रहा है, इधर जाके कंप्लीट कर रहा है। तो जिस डायरेक्शन में ये सर्किल कंप्लीट करेगा, मतलब आधा पार्ट है ना, तो जिस साइड में ये पूरा पार्ट कंप्लीट होगा, स्फीयर बनेगा, जिस पार्ट में ये स्फीयर बनेगा उसी साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। आप उल्टा यहाँ क्यों सेंटर ऑफ कर्वेचर कर दिया, बात समझ में आता है पीयूष? पीयूष हो बाबू, आप ही को बताएं, समझ में आता है बात, नहीं आता है? आया सर, आया ना। हाँ तो उधर, हाँ तो उधर सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होगा, उधर सेंटर ऑफ कर्वेचर कब होता, इस साइड कब होता, जब इस साइड कब होता, इस साइड बाबू मान लो कि इधर से आप कट कर रहे हैं, इधर से हमने एक स्फीयर इतना कट करके निकाल लिया है ना बाबू, इतना स्फेरिकल पार्ट कट करके निकाल लिया इतना, ठीक। तो इधर से निकाल लेता, इधर से अगर पॉलिश कर दो, तो इधर बाहर बाहर साइड से क्या कर दो, पॉलिश कर दो, बाहर साइड से पॉलिश कर दो, ठीक है। तो ये स्फीयर किधर कंप्लीट किधर कर रहा है, कंप्लीट किधर कर रहा है, कंप्लीट इस साइड में कर रहा है ना, कंप्लीट इस साइड में कर रहा। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जिस साइड में स्फीयर कंप्लीट कर रहा है उसी साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सेंटर सेंटर उसी साइड में होगा। अरे शैतान पीयूष, ये मान लो स्फीयर है, ठीक है, चुप रहो, स्थिर रहो ना जी, ये स्फीयर है, ठीक। अब इतना पार्ट कट कर निकाल लिए, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, तो ये कंप्लीट स्फीयर किधर बनाएगा, इस साइड बनाएगा ना, इस साइड से ज्वाइन करोगे तो ज्वाइन होगा, इस साइड से ज्वाइन होगा जी, नहीं कभी नहीं होगा, इस साइड से ज्वाइन होगा, इस साइड से। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं लाई करेगा, ना कि पीछे लाई करेगा, ना कि पीछे लाई करेगा, बात समझ में आता है पीयूष? ऐसा ही था पीयूष बाबू? यस सर। हाँ बाबू, तो एलकेजी का चीज ही सब है बाबू, गलती आपकी नहीं, आपके स्कूल की गलती, आपको पढ़ाता नहीं है, क्या करें। चलो ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है बाबू, अब आगे पढ़ते हैं, सारे बच्चे आ गए हैं, है ना। तो देखो बाबू, अब इसमें कुछ रूल रेगुलेशन होता है, कनके मिरर बाबू, हम लोग कैसे रे डायग्राम को ड्रा करेंगे बाबू, रे डायग्राम को ड्रा करेंगे कैसे, ड्रा करेंगे उसका नियम है, ठीक है ना। जब रे डायग्राम ड्रा करने आ जाएगा, तो फिर हम उसका कैसे हम अपना फोटो देखेंगे कनके मिरर में, है ना, तो कैसा दिखाई देगा, तब फोटो दिखना दिखाएंगे ना बाबू, इमेज कैसे बनेगा। तो पहले बाबू, पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू, रे डायग्राम बाबू, रूल बाबू, रूल टू ड्रा रे डायग्राम, रे डायग्राम कहाँ बाबू, इन कनके मिरर, किसमें, कनकेव मिरर में, कनकेव मिरर में, है ना। तो तीन चार को बाबू कैसे रे डायग्राम हम लोग ड्रा करेंगे कनकेव मिरर में, बाबू कनकेव मिरर में कैसे ड्रा करेंगे, है ना, उसी के रिगार्डिंग रूल है। देखो फर्स्ट रूल क्या कहता है बाबू, फर्स्ट रूल क्या कहता है समझो पहले, ठीक है। अगर बाबू पहले क्या करना, कनकेव मिरर ड्रा करना, ठीक है, लिखाएंगे, लिखाते हैं, ये क्या है सर, कनकेव मिरर है बाबू, धसा हुआ पार्ट से क्या है, कनकेव मिरर है, लिखने के बाद या ड्रा करना है? हाँ बाबू, लिखने के बाद करना, पहले समझो ना। और कनकेव मिरर का जो बीच वाला पॉइंट होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे सर, पोल कहेंगे, ठीक। कनकेव मिरर के बाबू जितना भी आपको टर्मिनोलॉजी पढ़ाए हैं, सारा टर्मिनोलॉजी अब यूज होगा, फ्री में ना पढ़ाए, ठीक है ना, मेहनत किए हैं तो उसको याद रखना। कनकेव मिरर का जो मिडिल वाला पोर्शन होगा, आधा पार्ट नीचे आधा पार्ट ऊपर, जो मिडिल वाला पॉइंट होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पोल कहेंगे, ठीक सर। ये बाबू इधर स्फीयर कंप्लीट करेगा, स्फीयर इधर कंप्लीट करेगा, सीधा ये किसी स्फीयर का टुकड़ा रहा होगा, तो इधर स्फीयर कंप्लीट करेगा ना, स्फीयर इधर ही कंप्लीट करेगा, हाँ सर। तो बाबू इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं मान लो यहाँ, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कि नहीं, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, यहाँ होगा, थोड़ा सीधा में ड्रा करो, मान लो तो यहाँ इसका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक सर।
अब पीसी को मिला दो, पीसी से मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन पास करो बाबू। शांति से सुनो, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, जो जो लिखा उसका पापा जी का ड्यूटी चल जाएगा, अपना लिखते रहो। पीसी को मिलाते हुए हमने क्या किया बाबू, स्ट्रेट लाइन ड्रा किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा किया पीसी को मिलाते हुए। इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, ठीक। इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, ठीक। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। जितना टर्मिनोलॉजी पढ़ाए हैं सारा को याद रखना, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक सर, ठीक सर। अब बाबू इधर मान लो ऐसे कनके मिरर रखा हुआ सर, मेरा कहाँ गया कल्चर, इधर कनके मिरर रखा हुआ, ठीक, ऐसे करके, ठीक बाबू। इधर से टॉर्च ऑन करो, मान लो बाबू बहुत दूर में टॉर्च रखा हुआ, आपके नानी घर में रखा हुआ, इधर से क्या करो शैतान, टॉर्च ऑन करो, ठीक है। तो टॉर्च ऑन करोगे तो इस पे क्या आएंगे बाबू, इस पर पैरेलल आएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कर रहे क्या जाएगा, पैरेलल जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, इस पोर्शन से देखो रिफ्लेक्ट होगा ना बाबू, इस पोर्शन से जो कनकेव पार्ट है, ये जो कनकेव पार्ट है इससे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तब शांति से सुनो, जब भी बाबू अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट आएंगे, यहाँ से क्या करेंगे सर, पैरेलल रे ऑफ लाइट आया, टॉर्च को ऑन किया बाबू, है ना, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस का अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट है, शांति से सुनना वो पीयूष, प्रिंसिपल एक्सिस का क्या है, पैरेलल रे ऑफ लाइट, ठीक है। तो इस पॉइंट से रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है ना, रे क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट किधर करेगा सर, तो रिफ्लेक्ट वो यहाँ पे लाफ, ये रिफ्लेक्शन लगा होगा, लाफ रिफ्लेक्शन लगा होगा, है ना। तो यहाँ से एक इस पे 90 डिग्री ड्रा करो, प्रोटेक्टर लो, इस पे 90 डिग्री ड्रा करो। तो 90 डिग्री को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाते हुए ड्रा करोगे, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल जो 90 डिग्री यहाँ से पाप बनाएगा वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो ये जब आप इतना नहीं अभी समझ में आता है, ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मल आपको ड्रा करने आता नहीं है, नॉर्मल किसी भी सर्किट पे कैसे नॉर्मल ड्रा करने नहीं आता ना, तो आप इतना भी खाली ध्यान रखो, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट है बाबू, इंसिडेंट हुआ कनकेव मिरर पे, तो रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट पे टकराएगा, तो रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, ठीक है, कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, ठीक। पहला रूल यही कहता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट हो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, तो कनकेव मिरर पे टकरा गया, तो बाबू पास कहाँ से करेंगे, ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रे ऑफ लाइट रहेगा, पास कहाँ से करेगा, कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, कहाँ से करेगा, वो फोकस से पास करेगा। पहला रूल यही कहता था, एक रे इधर हो गया सर, ये कौन सा से पास करेगा, तो स्टीपर क्या है सर, वो डॉटेड लाइन वो क्या है, उसको मिटा देते हैं बाबू, अभी आपको इसको समझ में नहीं आएगा, आपको ज्यादा ट्राई कर रहे हो, बाद में फिर बताएंगे तो समझ नहीं आएगा तो। हाँ नहीं है, सुनो अभी बाबू, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रे ऑफ लाइट चल रहा है, शांति सुनो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इधर मान लो कनकेव मिरर है सर, यहाँ से लाइट निकला सर, तो यहाँ पे टकराएगा सर, यहाँ मिरर टकराएगा, तो कहाँ से पास होगा बाबू, फोकस से पास होगा, ठीक। ये एक रे ऑफ लाइट ऊपर हो गया सर, एक नीचे भी ले लेते, इस तरह से रे ऑफ लाइट चला सर, है ना, रे ऑफ लाइट चला सर, मिरर से टकराया, तो ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल, तो ऑलवेज कहाँ से पास होंगे, फोकस से, ऑलवेज कहाँ से पास होंगे, फोकस से। रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पास होगा, फोकस से, रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पास होगा, फोकस से। पहला रूल यही करता है, पहला रूल यही पता है ना, पहला रूल यही करता, ठीक है। तो इसको लिखाते हैं, है ना, इसको लिखाते हैं शैतान, ठीक है। जगह बाबू, अगर पैरेलल रे है, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल रे हो, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगा, फोकस से। पहला नियम यही कहता है, लिखो शैतान, लिखे बाबू पीयूष, आंसर में लिखो। अरे ये वाला याद रहना जरूरी, याद रहेगा तभी बाबू क्वेश्चन बन पाएगा, तेज हो पाओगे। द रे बाबू पैरेलल टू बाबू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल क्या होता है सियाना, बता दो बाबू सर। सेम पैरेलल मैंने सेम होता है बाबू सर, दो पैरेलल लाइन जब सेम मतलब डिस्टेंस में चलते हैं वो पैरेलल होता है। हाँ बाबू, द रे बाबू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बाबू, आफ्टर रिफ्लेक्शन बाबू पासेस थ्रू फोकस। रिफ्लेक्शन के बाद किससे पास करे बाबू, पासेस थ्रू फोकस।
अरे शैतान पहले वीडियो इसको लिखो, पहले वीडियो दिखाते आप लोगों ने तो मतलब पता चल सकता है सर, तो लिखने के दिखता नहीं है, प्रोजेक्टर का लाइट से पहले लिखो लिखो ये वाला लिखो, फिर उसको हम आपको दिखाते हैं ठीक है ना, तब आपको अच्छे से विजुलाइज। सर अभी डायग्राम बना लें। हाँ शैतान जो भी बोर्ड पे रहता सब बनाना है, मतलब एक रे से भी पता चल सकता है सर की फोकस कहाँ बनेगा। हाँ बाबू एक रे से आराम से पता चल जाएगा। हाँ बाबू सर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितना डिस्टेंस पे वो पहला रे ऑफ लाइट आएगा उतना उतना ही डिस्टेंस से उतने उसके नीचे आएगा रे ऑफ लाइट। ऐसा जरूरी नहीं बाबू, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है ठीक ना, ऐसा जरूरी नहीं है सरकार कि सर ये जितना डिस्टेंस रहेगा सर उतना ही डिस्टेंस ये रहे। बाबू आप यहाँ भी लोगे बहुत सारे रे को शैतान यहाँ से भी पास करवाओगे तो हमेशा फोकस से पास करेगा, यहाँ पे भी लोग बाबू तो फोकस से पास करेगा, और यहाँ पे ले लोग बाबू तो मिरर पे पहुंचबे नहीं करेगा, वही लेना इस मिरर का जो कर्वेचर है अपर्चर है जो मिरर का अपर्चर है इसके अंदर ही लेना, यहाँ नीचे ले लोगे तो मिरर पे तो जेबे नहीं करेगा ठीक। तो इस अपर्चर के अंदर कितना अगर डिस्टेंस सेम नहीं होगा तो एक जगह मीट करेगा रे ऑफ लाइट। हाँ बाबू अरे शैतान यहाँ से ये दूरी बराबर रहे चाहे नहीं रहे लेकिन हाँ पैरेलल रहना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल रहना चाहिए, तो जब प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल रहे वो बाकी कितना दूर में क्यों नहीं रहा, हमेशा फोकस से ही पास करेगा, समझा ना। फोकस से तो पास करे, अच्छा सर ठीक है फोकस से पास करेगा तो मीट कर जाएगा ठीक है, हमेशा फोकस से। चलो ठीक है जल्दी लिखो, ऐसे समय क्यों नहीं समझ में आता बाबू, क्या आजकल ये बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो रहा आपका। सर भ्रष्ट नहीं हो रहा है सर, सर वो एक बार में ना लाइट ना सर समझ में नहीं आता है सर, इतना हार्ड चैप्टर है उसको सर, जब तक हार्ड बार नहीं पढ़ती हूँ सर ना एलकेजी मारेंगे इतना मारना हार्ड है, एलकेजी मारेंगे कहाँ सर, सर इतना हार्ड चैप्टर है सर, ऐसे सर क्लास 9-8 में दिया है। कौन बोल दिया हार्ड है बाबू, पापा जी बोले हैं ना इजी चैप्टर तो नहीं बोले सर, 6th क्लास में लाइट दिया, 6th का साइंस का बुक दिखाएं एकदम सर आपको ना अगला सप्ताह एकदम अच्छे से लाइट चैप्टर रिवाइज करके बता दूंगी सर, सर कुछ कुछ लोग बाबू ये 6 अच्छा ठीक है ये 6 का चैप्टर है बाबू, क्लास 6 का बाबू, आप पियर्सन का बुक उठा वहां देखो ठीक है ना, आप 5 में पढ़वे करती हो तो ये क्लास आगे क्या दिक्कत है, हर कुछ कुछ लिखे कुछ बाबू। कुछ मैं नहीं हूं सर, मैं 4 में हूं। शैतान 3 मंथ के बाद जाओगे ना बाबू, हटाएंगे ट्राइपॉड हटाएंगे बाबू, लाइट ऑफ करते हैं सर, अभी मिटा दीजिए सर, ये मिटा दीजिए। हाँ बाबू मिटा रहे हैं, सर ट्राइपॉड लग रहा है, टी बना हुआ एकदम, देखो बाबू बाप रे इतना दूर जाना पड़ेगा जी, इधर ही करते तो बोर्ड टेढ़ा दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा सर, आधा कट गया, दिखे कैसे सर आधा दिख रहा है। अरे शैतान ऐसा जगह प्रोजेक्टर है ना बाबू, सर कैसे रहते हैं आप पूरा जैसे रहते सर, छोटा सा प्रोजेक्टर को ट्राइपॉड के आगे रखिए ना सर। अरे आगे रखेंगे वो तो उतना नहीं ना दिए है ना शैतान का, आगे रखेंगे ना प्रोजेक्टर का, आगे रखेंगे शैतान के पीछे रख दीजिए सर, प्रोजेक्टर के पीछे रख दीजिए ट्राइपॉड, तो फिर मोबाइल से दिखाई नहीं देगा सर, मोबाइल से जूम कर दीजिएगा ना सर, प्रोजेक्टर पे रख दीजिए ना, प्रोजेक्टर पे रख दीजिए। बाप रे बाप सर ये लोग चिल्ला चिल्ला के सर प्रोजेक्टर पे ही रख, शांति से समझना
ठीक है, ये बाबू क्या कनकेव मिरर है, ठीक है, आई बाबू मैंने मिरर होल्डर है, वुडन स्टैंड है, ठीक है ना। अब यार इसमें क्या करो, रे ऑफ लाइट क्या करोगे, इधर से बाबू पैरेलली रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करा, इधर से क्या करो बाबू रे ऑफ लाइट क्या करो इंसिडेंट करा, ठीक है। तो इधर से जैसी बाबू ये रे ऑफ लाइट मिरर पे पड़ेंगे तो रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करेंगे बाबू, फोकस से पास करेंगे, कहां से पास करेंगे बाबू, फोकस से पास करेंगे, है ना, फोकस से पास करेंगे, देखो ठीक ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का इमेज ये क्या कह रहा बाबू, ऑब्जेक्ट का इमेज जहां पे बन रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मिरर से बाबू इतना जो लेंथ होगा इसी को फोकस कहेंगे, फोकस कहेंगे, फोकस कहेंगे, है ना, फोकस कहेंगे, ठीक है। तो ये डिस्प्लेस करके दिखाया गया, डिस्प्लेस करके दिखाया गया, इसको हमको फिर से सेटअप करते हैं, इमेज इनवर्टेड दिखा रहा है। हाँ बाबू कनकेव मिरर में जो भी इमेज बनेगा बाबू उल्टा बनेगा, ठीक है ना, उल्टा ही बनता है, धीरे धीरे आएगा सब बताएंगे। आगे कहां गया सीता, देखो यही आपका क्या बाबू कनकेव मिरर है, दिस वन इज द बाबू कनकेव मिरर, क्या है कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है ना, कनकेव मिरर है, ठीक है। अब कनकेव मिरर का बाबू क्या होगा, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इधर इसका जिधर बनेगा बाबू जिधर बनेगा वही क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ग्लेयर कैसे कर रहे हैं बाबू, क्लियर दिख रहा है जी सर, थोड़ा ग्लेयर कर रहा है, यस सर क्लियर, यस सर क्लियर दिख रहा है लेकिन ग्लेयर कर रहा है। हाँ सर वही तो कह रहे हैं, क्लियर तो दिख रहे हैं लेकिन ग्लेयर कर रहे हैं। काम चल जाएगा सर, दिखाई ना फल, हम लोग देखने से मतलब है ना। यस सर काम चल जाएगा। ग्लेयर कैसे कर रहे हैं सर काम कहीं का, अरे पहले बहुत अच्छा से कैसे गड़बड़ा गया, इतना अच्छा से सेटअप था ना, चलो ठीक है आ जाएगा ग्लेयर नहीं।